ग्रीटिंग्स एवरीवन, अब हम देखने वाले हैं एमएस एक्सेल का एक फीचर दैट इज फॉर्मेट पेंटर। सो व्हाट इज दिस फॉर्मेट पेंटर? बेसिकली अगर एक सेल में आपने कुछ फॉर्मेटिंग की हुई है, जैसे कि आपने उसे कुछ फॉन्ट साइज दिया हुआ है, उसमें कुछ कलर ऐड किए हैं, या फिर अलाइनमेंट और आपने कुछ फॉन्ट उसे दिया हुआ है, तो ये हो गई उस सेल की फॉर्मेटिंग। मान लीजिए अगर आपको किसी और सेल के अंदर ये सेम टू सेम ऐसी ही फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है, तो आप क्या करेंगे? आप फॉर्मेट पेंटर का यूज करेंगे। So, अगर आपने एक बड़ी स्प्रेडशीट तैयार की हुई है और उसी का फॉर्मेट जो भी है, आपने फॉर्मेटिंग उसकी जो कुछ भी की है, वही फॉर्मेटिंग आपको किसी और स्प्रेडशीट के अंदर आपको अगर अप्लाई करनी है, तो आपको याद करना पड़ेगा कि हमने कौन सी साइज यूज की थी या फिर कौन से कलर्स यूज किए थे। तो उससे अच्छा है कि आप ये फॉर्मेट पेंटर का फीचर वहां पर अप्लाई करें। सो वेयर इज दिस फॉर्मेट पेंटर? आप अगर देखें होम टैब के अंदर आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप टैब जो है उसके अंदर आपको फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। सो हम ट्राई करेंगे फॉर्मेट पेंटर को यूज करके देखेंगे। फर्स्ट अगर यहाँ पर मैंने टाइप किया, ये सेल है मेरा, इसके अंदर यानी पंडित। सो इस सेल को मैं कुछ फॉर्मेटिंग दूंगी, दैट इज यहाँ पर अगर मैं इसका फॉन्ट चेंज करती हूँ, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, और उसके बाद अगर मैंने यहाँ पर इसे कुछ कलर्स इसमें ऐड किए, इसका फॉन्ट कलर हम वाइट कर देंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो मेरा सेल है इसमें मैंने कुछ फॉर्मेटिंग की हुई है। इसकी थोड़ी साइज भी हम बढ़ा देंगे। तो अगर मान लीजिए मुझे यही जो फॉर्मेटिंग है इस सेल की, मुझे ये एज इट इज कॉपी करनी है इस छोटे से डेटा के हेडिंग में, दैट इज कॉलम हेडिंग में। सो हम कैसे करेंगे? फॉर्मेट पेंटर का हम यहाँ पर यूज करेंगे। इस सेल को मैंने सिलेक्ट किया जिसमें से आपको फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है। सो इसे मैंने सिलेक्ट किया, इसके बाद यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर पर मैं क्लिक करूंगी। इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो सिलेक्शन कर्सर है उसी के साइड में एक ब्रश भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि फॉर्मेट पेंटर जो आपका है वो वर्क हो रहा है। सो इस फर्स्ट वाले सेल को मैं सिलेक्ट कर लूंगी, ये जो मेरा कॉलम हेडिंग है इसे ही मुझे ये सेम फॉर्मेटिंग जो है वो अप्लाई करनी है। सो आई सिलेक्ट इट, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो फॉर्मेटिंग है ये एज इट इज इस पे कॉपी हो गई है, दैट इज इसकी सब फॉर्मेटिंग सेम हो गई है। अब मान लीजिए आपको एक ही साथ दो तीन सेल्स में यही फॉर्मेटिंग रिपीट करनी है, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट सिलेक्ट कर लोगे ये सेल को, और उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पर आप डबल क्लिक करोगे। तो मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है ये वर्क कर रहा है। और अब आप अगर इन दोनों सेल्स पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं कि एट अ सेम टाइम यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मेटिंग टू डिफरेंट सेल्स। अगर आपको इसे डिसेबल करना है तो यहाँ पर आप एक बार क्लिक कर सकते हैं और ये डिसेबल हो गया, या फिर आप एस्केप की का भी यूज कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस फॉर्मेट पेंटर। अब अगर हम देखें ये सेकेंड वाली हमारी शीट है, इसके अंदर यहाँ पर एक पूरी की पूरी स्प्रेडशीट है और इसमें मैंने कुछ फॉर्मेटिंग इसे दिए हुए हैं। अगर ये सेम फॉर्मेटिंग मुझे ये साइड वाली जो आपकी यहाँ पर छोटी सी स्प्रेडशीट दिखाई दे रही है इसमें मुझे ये अप्लाई करना है। सो कैसे करेंगे? आप फर्स्ट इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये पूरा का पूरा जो छोटा डेटा है यहाँ पर साइड में, इसमें आपको इसे पेस्ट करना है। तो आप इसका पूरा का पूरा डेटा आप सिलेक्ट कर लोगे। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि ये जो इस डेटा की जो फॉर्मेटिंग थी वो पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग आपको सेम एज इट इज इस डेटा के अंदर मिल गई। फॉर्मेट पेंटर की और एक बात है कि जैसे कॉपी और पेस्ट हम करते हैं, तो कॉपी पेस्ट में क्या होता है कि आपका जो फॉर्मूला है एक किसी भी सेल के अंदर अगर आपने फॉर्मूला यूज किया है, तो कॉपी पेस्ट में क्या होता है वो फॉर्मूला भी एज इट इज कॉपी और पेस्ट हो जाता है। बट जब आप फॉर्मेट पेंटर यूज कर रहे हो तब फॉर्मेटिंग सिर्फ उस सेल की ही कॉपी होगी, उसका जो फॉर्मूला है वो कॉपी नहीं होगा। सो ये आपको बात ध्यान में रखनी। तो अब बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर के शॉर्टकट की के बारे में। सो फॉर्मेट पेंटर के लिए भी हमें एक शॉर्टकट की दी गई है, दैट इज ऑल्ट एच एफ एंड टी। सो लेट्स ट्राई इट आउट। इस फर्स्ट वाले सेल को मैं सिलेक्ट करूंगी और फिर उसके बाद मैं प्रेस करूंगी ऑल्ट एच एफ एंड टी। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी फॉर्मेट पेंटर का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट हो चुका है और यहाँ पर आपको डॉटेड लाइंस भी इस सेल के बाहर दिखाई दे रही है।
सो फॉर्मेट पेंटर जो है वो वर्क कर रहा है। अगर मैंने यहाँ पर किसी सेल में इसे सिलेक्ट किया, अगर ये वाले सेल में मैंने कर्सर रखा और इसे मैंने सिलेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं उस सेल की जो फॉर्मेटिंग है वो यहाँ पर अप्लाई हो गई है। यहाँ पर आप कुछ भी टाइप करके देख सकते हैं। सो सेम जो फॉन्ट है, फॉन्ट की जो साइज है, वो सभी यहाँ पर अप्लाई हो गया है। सो दिस वॉज फॉर्मेट पेंटर। आप भी अपने स्प्रेडशीट के अंदर कुछ सेल्स को लेकर उसे फॉर्मेट कीजिए, किसी सेल की फॉर्मेटिंग को किसी और सेल में अप्लाई करके देखिए और फॉर्मेट पेंटर का यूज करके देखिए।